अंबिकापुर के दरीमा स्थित मां महामाया एयरपोर्ट का स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव ने निरीक्षण किया। इस दौरान क्षेत्र के विधायक डॉक्टर प्रीतम राम सहित जिला प्रशासन के आला अधिकारी मौजूद रहे। दरअसल उड़ान योजना के तहत अंबिकापुर, बिलासपुर और जगदलपुर में हवाई सेवा शुरू कर दिए जाने का उन्होंने ऐलान किया था। जब बिलासपुर और जगदलपुर में हवाई सेवा तो शुरू हो गई, लेकिन अंबिकापुर में अब तक हवाई सेवा शुरू नहीं हो सकी है। अब जिला प्रशासन जल्द से जल्द अंबिकापुर में भी हवाई योजना बना चुका है और यही कारण है कि मां महामाया एयरपोर्ट के कार्य तेजी से चल रहे हैं। वहीं निरीक्षण में पहुंचे स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव ने तेजी से चल रहे कार्य को देखते हुए बताया कि बरसात से पहले एयरपोर्ट के सभी काम पूरे कर लिए जाएंगे और जल्द ही सरगुजा संभाग के लोगों को हवाई सेवा करने का मौका मिल सकेगा। उड़ान की तिथि तो अभी बहुत नज़दीक नहीं है, लेकिन मार्च तक में जो काम दिख रहा है ये पूरा हो जाना चाहिए। डामर भी हम लोग देख रहे हैं कि करीब करीब पूरा हो गया है। इसके ऊपर सील कोट वगैरह जो आखिरी कोट होना है वो बचा रहेगा। थी वो अरुणाचल गई हैं, तो नई मशीनें यहाँ पर आ रही हैं, वो भी आ जाती हैं, तो हम लोग चाहेंगे कि बरसात के पहले फ्लाइट चालू हो जाए। टेस्टिंग होगी, सब कुछ होगा, पर बरसात के पहले हो जाता तो अच्छा। इसमें तो एक साल से ऊपर लगना था, उस हिसाब से अगर आप देखें तो आप समय के अंदर हैं। हम लोग तो सोच रहे थे कि ये विधानसभा का जो समय है वो पार हो जाएगा, तो आज आके देखने में जो दिख रहा है कि उतना संतोषजनक स्थिति है कि ये बरसात के पहले निर्माण के कार्य तो पूरे हो जाने चाहिए।